पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अम्बाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है, यही नहीं भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन। फ्रेंड्स क्लब नेरवा द्वारा आयोजित की जाने वाली 19वीं चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ रविवार को क्लब के अध्यक्ष बिट्टू झगटा ने पिच पूजन से किया। ये चौपाल की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतिस्पर्धा है, जिसमें जिला शिमला, सिरमौर, सोलन के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की टीमें भी भाग लेती हैं। 31 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें नाट्यकिंग कुलदीप शर्मा अपनी मधुर आवाज से संगीत की छटा बिखेरेंगे। क्लब के प्रेस सचिव DD जंस्टा ने बताया कि ये क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें हर साल 100 से अधिक टीमें भाग लेती हैं। ये फ्रेंड्स क्लब टूर्नामेंट का आगाज विधिवत पूजन के साथ हो चुका है और हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे यहाँ जो टीमें हैं वो लगभग 100 के ऊपर रहती है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जो यहाँ के स्थानीय इलाके हैं उनकी जो सारी टीमें हैं वो यहाँ खेलती है। इस टूर्नामेंट की जो खासियत है वो ये है कि ये आपसी भाईचारे और सौहार्द के लिए जाना जाता है और खिलाड़ियों का जो आदर सत्कार यहाँ होता है वो शायद ही कहीं होता होगा, इसीलिए समूचे हिमाचल में नंबर 1 ये टूर्नामेंट फ्रेंड्स क्लब का कहलाता है और यहाँ से जो खिलाड़ी खेलकर जाता है वो बार बार यहाँ आता है और यहाँ का जो वातावरण और यहाँ का जो क्राउड है वहाँ इस चीज के लिए जो खिलाड़ी है वो हमेशा तरसते हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट।